हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाफ़ पैन कॉलर नेक, जो होता है वो वाला। इसमें हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, और उसके लिए मैंने ये अपनी शर्ट की नॉर्मल कटिंग, जो हम बैन के लिए शोल्डर रखते हैं उसके हिसाब से कटिंग कर रखी है। और आप में यहाँ पर किसी भी टाइप का जो है वो नेक यहाँ पे स्टिच कर सकते हो, तो मैंने कुछ इस तरीके का नेक लिया है। आप चाहो यहाँ पे स्वीट हार्ट, राउंड शेप, कोई भी नेक जो है आप यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी शेप जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हल्का सा वी में थोड़ा सा टच दिया है। तो ये वाला नेक ऑलरेडी मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर रखा है, और फैब्रिक को फोल्ड अप करने के बाद जिस तरीके से हम अपना नेक बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, उसी तरीके से अपने नेक को अपनी शर्ट के ऊपर हमें अटैच करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नेक बनाने में, और ये बहुत ही प्यारा सा बनके और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है बना हुआ। तो इस तरीके से हमें अपने नेक को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। सो गाइज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी वीडियोस और मेरे सूट की जो पूरा बनने के बाद जो फुल पिक्चर्स होती हैं वो इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको नॉचेस देने के बाद नेक को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे हमें बड़े वाली सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर्स आपको थोड़ा सा देख के कट करने हैं ताकि वो अच्छे से फोल्ड अप हो जाए, और यहाँ पे हमें कच्ची वाली सिलाई लगानी है इसको फिक्स करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा नेक जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसके साथ हमें बैक साइड का जो पल्ला है शर्ट का वो अटैच करना है। शोल्डर से शोल्डर हम अटैच करेंगे। इसमें बैक साइड पे मैंने कोई भी काट नहीं दी है, और ना ही इसमें कोई काट डलती है। शोल्डर्स को शोल्डर्स के साथ अटैच करना है, जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज़ में करते हैं वैसे ही करना है। उनमें हमने पीछे कटिंग करी होती है नेक में, बट इसमें हमें कोई भी कटिंग नहीं देनी है बैक साइड पे। एक बार इसको डबल स्टिच करके थोड़ा सा पक्का कर लेंगे, और ये देखिए अब इस तरीके से हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक इस तरीके का आएगा। अब आपको जितना लंबा नेक रखना है उतना लंबा, जितनी लंबी बैन रखनी है आपको उतना आप शोल्डर से पहले वहाँ पे मार्क आउट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे बैन की जो लेंथ है वो रखूँगी 3 इंचेस पे। आप इसको बढ़ा के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये बिल्कुल गले के साथ साथ में आएगी, ये बिल्कुल नीचे नहीं आएगी। और ये देखिए यहाँ से पूरी इक्वल आ रही है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से इसको नापना शुरू करेंगे नेक को। और जहाँ तक हमारी दूसरी मार्किंग है वहाँ तक हम इसे इसका नाप लेंगे। तो मेरा जो नाप आया है वो आया है अराउंड 11.5। अब हम ये 1.25 इंच की जो है वो मैंने स्ट्रिप ली है, इसको आप चाहो तो 1 इंच की मार्किंग कर सकते हो अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो। और जितनी मेरी मार्किंग आई थी 11.2 के आसपास, तो उतना हम इसको मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम एक
वन इंच की मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चौड़ा बैंड नहीं रखना है। अगर आप चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग है, हम अपने नेक को यहाँ सेंटर से फोल्ड अप करेंगे और जितना हमने लिया है उससे हल्का सा 2 पॉइंट ज़्यादा लेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे कर्व शेप दूंगी। आप चाहो तो कर्व देना चाहते हो तो आप कर्व दे सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको कर्व देना चाहते हो, या वैसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यह हमारा आ रहा है 5.5, दैट मीन्स के पूरा पूरा 11 इंच जितना हमें चाहिए। अब हमने कर्व वाले पोर्शन से इसको कट कर लिया है और अपने नेक को जो इसकी पेस्टिंग है उसको हमने डबल फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और उसके बाद राउंड शेप में जो राउंड वाला साइड है वहाँ से मैंने इसको स्टिच किया है दोनों साइड से, और नीचे से मैंने अंदर की तरफ कोई भी फोल्डिंग नहीं दी है। जो हमारा कपड़ा है वहाँ पे मैंने क्वार्टर इंच छोड़ा हुआ है। क्वार्टर इंच इसलिए क्योंकि वो सिलाई में आएगा, और दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज़ मुझे स्टिच करना है। क्योंकि मैंने ये डबल फोल्ड वाला फैब्रिक लिया है यहाँ पर, तो मैंने ऊपर से स्टिच नहीं लगाया है। अगर आप डबल फोल्ड फैब्रिक नहीं लेते हो तो आप ऊपर से एक बार स्टिच कर लीजिए। तो साइड्स पे कर्व वाले पोर्शन पे हमें नॉचिंग ज़रूर करनी है, और नॉचिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आएगा। फोल्डिंग के बाद अब हम इसे खोल लेंगे और सीधा स्ट्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसको प्रॉपर सेट करने के लिए आप आयन कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी परफेक्ट फिनिशिंग और स्टिचिंग के लिए मैं इसके साइड से स्टिच करना शुरू करूँगी। इसके किनारे किनारे पे एक स्टिच लगा देंगे ताकि यहाँ पे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ से हम नीचे से फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए ताकि इसमें कोई भी झोल ना आए, इसके किनारे किनारे पे हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलर जो है ये रेडी हो गया है। अब हमें इसे, ये मैंने यहाँ पे फोल्ड करके एक आइडिया के लिए इसको मार्कआउट किया हुआ है, और ये सेंटर पॉइंट इसका मार्क कर लिया है। आप सेंटर मार्किंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर आपने एक बार लगाने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, पूरा लगा के देख लीजिए कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से लेके दूसरे एंड तक कोई भी डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। ये देखिए, हमारा सेंटर टू सेंटर मैच कर रहा है यहाँ पे रखने के बाद। तो मैं इसको यहाँ पे रख के स्टिच करूँगी। जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था नीचे उसके ऊपर हम इसको सिलाई लगाएंगे। जो नीचे वाला हमारा खुला वाला फैब्रिक है उसको पहले आप इंटरलॉक कर लीजिए। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। जो मार्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उस मार्किंग के ऊपर हमें इसे सिलाई लगानी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितना फैब्रिक आप अंदर दे रहे हो कॉलर का, उतना ही पूरा गैप उतने में ही इसका मेंटेन रहना चाहिए।
हमारा सेंटर टू सेंटर मैच हो गया है। और ये देखिए हमारी जो दूसरी लाइन है वहाँ तक भी हम इसे प्रॉपर लगा के फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग है और मार्किंग तक हमारा नेक पूरा कंप्लीट आया है। ये बहुत ही इजी और सिंपल वे है लगाने का। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो आप कॉलर लगा रहे हो उसको या तो पहले आप इंटरलॉक कर लीजिए या फिर थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रख के उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए ताकि हमारी बाहर की तरफ जो है फैब्रिक वो दिखाई ना दे। तो ये देखिए ये मेरा कुछ नेक बनने के बाद इस तरीके का दिखाई देता है। ये बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। सो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या कुछ भी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।